ज्ञानम, ये कैसे बना हुआ है बताइए? ये वर्णमाला में है क्या? वर्णमाला में यह है ज्ञान, वर्णमाला में क्षमा वाला क्षर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो बाद में लिखने वालों ने लिख दिया, वर्णमाला में नहीं है। वर्णमाला में केवल शुद्ध व्यंजन होते हैं। अब आप मानोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, पकड़ी सो छोड़ी नहीं। समझो बात को, वर्णमाला में इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन है, शब्द अक्षर है। क्ष कैसे बना? क्ष क्ष अक्ष वाला क्ष, वो बना है दो वर्णों से, क प्लस भाषा वाला श, भाषा वाला श, षटकोण वाला श, है ना, कश योगेश, कश योगेश, क और षटकोण के श को मिला दो तो क्ष बनता है। और ये कैसे बना है जिसे आप ज्ञान कहते हो? ये बना है ज य योगे ज्ञ, ज है ना जहाज वाला, जहाज वाला ज, और च वर्ग का अंतिम अक्षर च छ ज झ, और एक आता है ना इसे ञ, तो वो ज जहाज वाला और ञ ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ज्ञान। इसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। आप कहते हो ज्ञान, मतलब आप ग गवती चाय के ग को य के साथ मिला रहे। आप देखो ना, आप क्या बोल रहे, ग और य नहीं बोल रहे। ज्ञान यदि आप जैसा बोलते हो वैसा लिखेंगे तो आधा ग और य ऐसे लिखता है, सुनना ही देता है, जबकि उच्चारण क्या है? ज्ञान। क्या है? अब आपको आए तो आए, नहीं तो आप ज्ञान बोलो। ज्ञानम यथा, ये आप सब जगह नहीं चला सकते, आखिर अपने को अपने ही उच्चारण पे आना पड़ेगा। और हिंदी में बोलोगे कि इसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो सुनने वाले बोलेंगे कि इसको ही ज्ञान नहीं है, है कि नहीं? इसलिए सिर्फ स्तोत्र पढ़ते समय इसका उच्चारण करो। ज्ञानम यथा त्वयी त्वयी विभाति विभाति कृतावकाशम कृतावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयी विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेज तेज स्फुरन् स्फुरन् मणिषु, स्फुरन् मणिषु, स्फुरन् मणिषु, याति यथा महत्वम् तेज स्फुरन् मणिषु, याति यथा महत्वम्। तेज के विसर्ग का भी बराबर उच्चारण होना चाहिए, तेज स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। नैवं तु काचशकले किरणाकुलेपि किरणाकुलेपि, नैवं तु काचशकले
स्फुरन यानी चमकने वाले या तेजस्वी, मणिषु मणियों में, याति होती है, याति यानी होती है, यथा जैसे, महत्वम महत्व बराबर, न एवं नहीं ही, न याने नहीं, एवं याने ही, संधि हुई है, तू और तू शब्द यहां कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काव्य पूर्ति के लिए भी यूज किए जाते हैं। न एवं तू, तू का कभी कभी प्रयोग होता है और, किंतु यहां प्रयोग सिर्फ काव्य पूर्ति के लिए है। कांच शकले, कांच के टुकड़ों में, किरणाकुले भी संधि हुई है, किरण प्लस आकुले प्लस अपि, किरण प्लस आकुले प्लस अपि, ऐसी संधि हुई है, किरणाकुले भी, किरण किरण प्लस आकुले प्लस अपि, हाँ, और किरणाकुले भी यानी सूर्य की किरणें इकट्ठी हो जाने पर भी, सूर्य की किरणें इकट्ठी हो जाने पर भी। लीजिए 20वें काव्य का अर्थ लगाएंगे, कुल मिलाकर के क्या अर्थ बन रहा है। तो आचार्य कहते हैं यहां कोई भी संबोधन मिला क्या? नहीं। तो जहां संबोधन नहीं है उसकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। हे भगवान, हे आदि जिनेश्वर, हे आदि परमेश्वर, ज्ञानम यथा, ज्ञानम यथा, जैसा ज्ञान त्वयि विभाति आप में शोभायमान हो रहा है। कौन सा ज्ञान है भगवान को? केवल ज्ञान। जैसा ज्ञान आप में शोभा को प्राप्त हो रहा है, कैसा है वह ज्ञान? कृतावकाशम, अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। क्या वास्तव में अनंत पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं केवल ज्ञान में? द्रव्य कितने हैं, तत्व कितने हैं और पदार्थ कितने हैं? तो फिर अनंत तो कैसे हो गए? जब पदार्थ नौ ही हैं तो फिर अनंत पदार्थ कैसे हो गए? पदार्थ कितने हैं तो फिर अनंत कैसे हुए? संख्या की अपेक्षा तो नौ है, पदार्थ नौ है, और किसकी अपेक्षा अनंत? अनंत भी तो संख्या है। भेद प्रभेद की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अरे भाई, जीव पदार्थ है, नौ में से एक पदार्थ कौन सा है? किंतु जीव नाम के पदार्थ तो अनंत है। आप भी जीव पदार्थ हो, मैं भी जीव पदार्थ हूं, ये जितने जीव है ये सब जीव पदार्थ है। ऐसे जीव पदार्थ कितने हैं? अनंत है। पुद्गल पदार्थ कितने हैं? अनंत है। अजीव पदार्थ अनंत है। ऐसे जाति की अपेक्षा से क्वांटिटी में पदार्थ कितने हो जाते हैं? क्या कह रहे हैं? अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जीव पदार्थ कितने हैं? अनंत है। अब इसके अलावा अनंत पर्यायों को प्रकाशित करने वाला, ऐसे भी शब्द आ सकता है। भगवान का ज्ञान अनंत पदार्थों को ही प्रकाशित करता है या अनंत पर्यायों को भी प्रकाशित करता है?
अनंत पर्यायों को भी प्रकाशित करता है, किंतु नियम यह है कि प्रत्येक द्रव्य के साथ एक ही पर्याय एक समय में होती है। अभी आपकी एक ही पर्याय है, आप मनुष्य हो, अब आप देव तिर्यंच और नारकी नहीं हो, आप जवान हो इसका मतलब आप बच्चे और बूढ़े नहीं हो, आप पुरुष हो इसका मतलब आप स्त्री और नपुंसक नहीं हो, एक बार में एक ही पर्याय होगी, तो फिर अनंत पर्याय कैसे बनी? क्योंकि इसमें भूतकाल भी जुड़ा है और भविष्यकाल भी जुड़ा है। आप भूतकाल में बच्चे थे, भविष्यकाल में बूढ़े होंगे, ये भी केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान ने आपकी वृद्ध पर्याय भी देखी है और आपकी बचपने की पर्याय भी देखी है। ऐसे त्रिकालवर्ती पर्याय कितनी है? प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्यकालीन पर्यायों को जोड़ दो तो पर्याय कितनी है? अनंत है। केवल ज्ञान के विषय में ऐसा चिंतन आप कर सकते हो तो आपके अहोभाव प्रकट होगा कि क्या चीज है केवल ज्ञान और क्या चीज है हमारे भगवान। एक जगह बैठे बैठे आपके बारे में अनंत जानते हैं, आपकी अनंत भूतकालीन पर्याय, आपकी अनंत भविष्यकालीन पर्यायों को जानते हैं। ऐसे प्रत्येक द्रव्य की जानते, प्रत्येक पदार्थ की जानते, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके अनंत पर्यायों को भगवान नहीं जानते हो। कितना जानते होंगे, कितना जानते होंगे, अंत ही नहीं। ऐसा ज्ञान है भगवान आप में जैसे सुशोभित हो रहा है, न एवं तथा वैसा हरिहरादि में देखने को नहीं मिलता है। ज्ञान की शोभा जो भगवान में है, क्या वैसा ज्ञान किसी हरि में और किसी हर में है? न ब्रह्मा में है, न विष्णु में है, न किसका नाम लिया गया यहाँ? ध्यान दे आप जरा सा, कभी कभी हम कंपेरिटिवली इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमारी सोच मर्यादा के बाहर चली जाती है और जहां सम्यक्त्व होना चाहिए वह मिथ्यात्व में चले जाते हैं। भगवान की तुलना उन देवों में की गई है जो देव भगवान बने बैठे थे, जो अपने आप को भगवान समझते थे, जिन्हें दुनिया भगवान समझती थी। वो कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये वैदिक संस्कृति के अनुसार मान्यता प्राप्त भगवान थे। इसलिए जब भी भगवान के साथ देवी देवताओं की तुलना की जाएगी और देवी देवताओं का अवमूल्यन किया जाएगा, उनका मूल्य घटाया जाएगा, भगवान का मूल्य बढ़ाया जाएगा, तब कौन से देवों को लेना? नायकेषु, शब्द देखो, शब्दों की तरफ देखो, जो किसी धर्म को, किसी संप्रदाय के नायक बन गए थे, धर्णेन्द्र, पद्मावती, क्षेत्रपाल, 24 तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी कभी किसी संप्रदाय के नायक नहीं बने। वो तो तीर्थंकरों के भक्त थे, भक्त हैं और भक्त रहेंगे। जब जब भी समाव शरण लगेगा तब यक्ष और यक्षिणियों का सुनिश्चित स्थान है, और वो स्थान कौन सा है? कल्पद्रुम पूजा कर रहे थे, उस विधान में 24 तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी के अर्घ्य थे, और उसमें कहा था कि इनका स्थान गंधकुटी के दूसरी कटनी पर निश्चित है। इसी बात का उल्लेख 2000 वर्ष पहले तिलोय पंडित्ती ग्रंथ में भी किया है कि यक्ष और यक्षिणी का स्थान कहाँ होगा? 12 सभाओं के बीच में गंधकुटी, गंधकुटी की पहली कटनी, दूसरी कटनी, तीसरी कटनी, दूसरी कटनी पर यक्ष और यक्षिणी का स्थान है, तीसरी कटनी के ऊपर सिंहासन है और सिंहासन के चार अंगुल ऊपर श्री जिनेन्द्र भगवान है। यक्ष यक्षिणी का स्थान वहां है, जिन्हें वहां स्थान मिला हो क्या वो भगवान के साथ स्वयं की तुलना करने लग जाएंगे? वो तो भगवान के चरणों में है, वो तो उनको ही अपना भगवान मानते हैं, वो तो नायक बने ही नहीं। इसलिए जब भी भगवान के साथ तुलना की जाएगी तो किसकी तुलना की जाएगी? उनकी, जो किसी धर्म विशेष के नायक बन गए, किसी मिथ्या धर्म के नायक बन जाते हैं, उनके साथ तुलना करके उनका मूल्य घटाया जाता है कि ये जितने भी, देखो नाम भी लिया मानतुंग स्वामी ने,
इसके आने वाले अगले काव्यों में भी नाम लेंगे और उन काव्यों में बार बार ये दोहराएंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान नहीं है, क्योंकि वे भगवान के स्थान पर बैठे थे। किसके स्थान पर बैठे थे? यक्ष और यक्षिणी भगवान के स्थान पर। इसलिए यदि कोई मूढ़ व्यक्ति भगवान के साथ सरागी देव ऐसा शब्द आने पर धर्मेंद्र और पद्मावती को लिए बैठा है तो समझ लेना कि ये स्वयं मूर्ख है और दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। आजकल कतिपय विद्वान आए दिन चैनल्स पर प्रवचन दे रहे हैं और आए दिन हर आठ दिन में वो हाथ धोकर के केवल यक्ष यक्षिणियों के पीछे पड़े हैं। उनका काम केवल यही है दूसरों को धोने का, और दूसरों को धोने में स्वयं की नैया डुबा रहे हैं और दूसरों को भी डुबाने का काम कर रहे हैं। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश याद नहीं आते, उन्हें केवल पद्मावती और क्षेत्रपाल ही नजर आते हैं, जबकि इनका स्थान अनादिकाल से है। अनादिकाल से यक्ष और यक्षिणी जब तीर्थंकर होते हैं तो उनका एक और उनकी यक्षिणी होती है, और अनादिकाल से है सर्वान्न यक्ष, सनत कुमार यक्ष, श्रुत देवी और श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी, और कृत्रिम जिनालयों में इनका स्थान है। ये अनादिकाल से यक्ष और यक्षिणी के बिना किसी भी मूर्ति का परिकर पूर्ण नहीं कहलाता है। वही मूर्ति संपूर्ण मानी जाती है जिस मूर्ति में अष्ट प्रातिहार्य हो, चबरधारी यक्ष हो और नीचे उनके यक्ष यक्षिणी हो, तो समझना कि ये परिकर युक्त मूर्ति है, वही संपूर्ण है। तो मैं आपके लिए आज खास करके नायकेशु हरिहरादिषु नायकेशु इसको लेकर के बता रहा हूँ कि श्री जिनेन्द्र भगवान के साथ तुलनात्मक अध्ययन जब भी किया जाएगा तो कौन से देवों का? अन्य मतियों के जो जो भी नायक बने बैठे थे ऐसे देवी देवताओं की तुलना करके उनको उनका महत्व घटाया जाता है कि ये सच्चे भगवान नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए जो जो तथा कथित विद्वान चाहे तत्वार्थ सूत्र सिखाए, चाहे द्रव्य संग्रह सिखाए, चाहे छेड़ाला सिखाए, उनकी नैया घूम फिर के उसी चीज पर आ जाती है, भले विषय ना हो, विषय को वो प्रकट करते हैं, जानबूझकर उस विषय को छेड़ते हैं, क्योंकि उनका द्वेष क्या है, उनका द्वेष भाव पैदा हो चुका है। बंधुओं आप सोचिए, यदि यक्ष यक्षिणी जिन धर्म में ना होते तो आज से 2000 साल पुरानी मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी होती। आज भी भूगर्भ से प्राचीन प्रतिमाएं निकलती हैं, उसके साथ कोई ना कोई यक्षिणी की प्रतिमा निकलती ही है। कल हमारे पास उमता के लोग आए थे गुजरात से, उमता का जो मंदिर निकला है, और उस मंदिर में मतलब पहाड़ में वो मंदिर निकला, पहाड़ किसी के लिए ध्यान में आया, जब उसने मिट्टी कुदेरी तो उसमें कोई दीवार लग गई, वो दीवार लगी तो वो थोड़ा सा डर गया कि बोले यहाँ कुछ तो है, ऐसा सोच करके जो है उसने गांव भर में ढिंडोरा पीटा, गांव वालों ने पूरा पहाड़ खोदा तो उसमें भव्य मंदिर निकल के आ गया, और उस मंदिर में लगभग 68 मूर्तियां निकली। कितनी? 68 मूर्तियों में सबसे प्राचीन चक्रेश्वरी की मूर्ति और सरस्वती देवी की मूर्ति भी उसमें निकली। आप बताइए, यदि प्राचीन काल में इनका स्थान ना होता तो ये भूगर्भ से प्रतिमाएं निकलती। आज उमज पद्मावती तीर्थ पर जाकर देखो, 1400 साल प्राचीन पद्मावती माता की मूर्ति है। कितनी प्राचीन? 1400 साल पुरानी। और ये आधे अधूरे मनगढ़ंत विद्वान जिनके लिए ज्ञान और सम्यक ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, अपनी अकल के मारे ऐसे समझते जैसे कोई कुंदकुंदा आचार्य के बाद इन्हीं का जन्म हुआ हो, अपने आप को विशेष विद्वान समझते हैं और शास्त्रों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने वक्तव्य को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, जबकि कोई आगम प्रमाण नहीं है। 2000 वर्ष पुराने तिलोय पंडित में 24 तीर्थंकरों के 24 यक्षों का नाम उल्लेख, आप पढ़ लीजिए तिलोय पंडित, 24 यक्षों के भी नाम उल्लेख है। 2000 वर्ष पुराने प्राचीन संस्कृति है, शास्त्र है और मंदिर हमारे पास है, तो भी हम यदि भटक रहे हैं तो केवल ऐसे मूढ़ विद्वानों के कारण। हमें ऐसे लोगों की चपेट में
नहीं आना चाहिए। यदि यक्ष यक्षिणी का मंदिर में स्थान है, इसका मतलब है कि वो पूजनीय है, तभी मंदिर में स्थान मिला। मंदिर में किसको स्थान दिया जाता है बताइए, किसको स्थान दिया जाता है? करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बनाने वाला व्यक्ति भी होगा तो उस व्यक्ति की मूर्ति मंदिर में नहीं बनती है। बनती क्या बताओ? जिसने अपने 10 करोड़ रुपए लगाए और मंदिर अकेले ने खड़ा किया, उसकी भी मूर्ति मंदिर में नहीं लग सकती है। आप सोचिए जरा सा, इतना धर्मात्मा व्यक्ति है, उसकी मूर्ति नहीं बनी, किंतु किसकी मूर्ति बनी? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनी ही बनी। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनमें पूजनीयता है, उनमें अतिशयता है, इसलिए उनकी मूर्ति मूर्ति बनना किसकी बनाई जाती है? मंदिरों में मूर्तियों का बनना और बैठना एक पूजनीयता का द्योतक है। वो भगवान के समान नहीं है, ना किसी ने आज तक माना है। भगवान के ऊपर तो संसार में कोई नहीं हो सकता है, जो भी है भगवान से कोसों दूर है, बहुत नीचे है। किंतु ऐसा होते हुए भी आप गृहस्थों के लिए यदि उनके लिए कोई अर्घ्य दान किया जाता है तो उससे आपके संपर्कों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ये बात हमारे लिए हरिहरादिषु नायकेषु, कौन सा नाम लिया? मान्तुकाचार्य जी भी तो ले सकते थे किसी क्षेत्रपाल का नाम, किसी यक्ष का नाम, किंतु नहीं लिया, क्योंकि वो भगवान की कंपटीशन में थे ही नहीं, ये थे भगवान की कंपटीशन में। इसलिए उन्होंने कहा कि इनमें वो ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल दिया है तेजस फुरन मणिषु, चमकने वाले मणियों में जैसी कांति होती है, दीप्ति होती है, और तेज जैसा मणियों में होता है। मणियां ने मणि मालूम है? वैडूर्य मणि, मुक्तामणि, स्फटिक मणि, पन्ना, माणक, ये सब मणि होते हैं। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, ओरिजिनल मणि आज इस काल में जल्दी दिखाई नहीं देते। जो A1 क्वालिटी के मणि थे वे मणि रात में भी चमकते थे, चाहे आप हाथ में बंद कर दो, मुट्ठी में बंद कर दो, तो भी उनकी दमक चमक बाहर निकलती थी। कपड़ों में कितना भी ढाको उसकी आभा रुकती नहीं थी, इतने तेजस्वी मणि होते थे। उन्हें सूर्य के चमक की, सूर्य के किरणों की जरूरत नहीं थी। किनको? मणियों को। उन मणियों में नेचुरल तेज था, नेचुरल प्रकाश था। तो यहां कह रहे कि जैसी कांति, जैसा तेज मणियों में महत्व को प्राप्त होता है, अर्थात मणियों में नेचुरल है। नैवं तु काच सकले, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज, ऐसी कांति कांच के टुकड़ों में कभी देखने को नहीं मिलेगी। किरणाकुले भी सूर्य की सहस्र किरणें कांच के ऊपर इकट्ठी हो जाए, कांच के ऊपर जो अपना सामान्य ग्लास है, कांच है, उस कांच के ऊपर सूर्य की हजारों किरणें भी आ गई तो भी वो कांति, वो तेज उसमें नहीं आ सकता है जो तेज एक नेचुरल मणि में होता है। अर्थात यहाँ श्री जिनेन्द्र भगवान मणि के समान है। तो ये तथा कथित ब्रह्मा विष्णु महेश कांच के टुकड़ों के समान है, और जब हीरा मिल गया है तो कांच के टुकड़ों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं उधर झांक कर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास ओरिजिनल मणि है, ओरिजिनल हीरा है, और वो है हमारे श्री जिनेन्द्र भगवान। तो कुल मिलाकर यहाँ भावार्थ है कि हे नाथ, इसमें भी संबोधन नहीं है तो भी लिखेंगे, हे नाथ अनंत पर्यायों को प्रकाशित करने वाला, अनंत पर्यायों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, केवल ज्ञान जैसा आप में शोभा को प्राप्त हो रहा है, जैसा आप में शोभा को प्राप्त हो रहा है, वैसा ज्ञान विष्णु, शंकर आदि
विभिन्न धर्मों के नायकों में, विभिन्न धर्मों के नायकों में देखने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता ठीक ही है पावा, जो कांति अथवा तेज झिलमिलाने वाली मणियों में महत्व को प्राप्त होती है, महत्व को प्राप्त होती है वैसी कांति सामान्य कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणों के इकट्ठी होने के बाद भी देखने को नहीं मिलता। इसकी रीति है ओम भीम अहम् नमो चारणानम् झ्रौं झ्रौं नमः। इस काव्य का विशेष प्रभाव है, कहते हैं कि इस काव्य की महिमा से संतान की प्राप्ति होती है, जिन्हें संतान नहीं है वो इस काव्य का, इस रिद्धि का विधि पूर्वक यदि प्रयोग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो संतान की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति उनके लिए होती है। ये 20वें नंबर के काव्य का प्रभाव है। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की।